देर बह के प्रभु ना गुणगान हो जाए, एक शुभ आरंभ हो जाए अच्छे ढंग नाल, ते उस तो बाद अस नाश्ता करी प्रसाद लेके तो अपने अपने घर जा सकेंगे। बाकी असाने पंडित जी महाराज इतने आए ना, ये सारा अगर रोशनी सारे सारे अगे आ जाओ, सारे थोड़े थोड़े अगे आ जाओ। बोल गुरुदेव भगवान जी की। सारे पिछे जेडे गप्पा मारा ने अगे आ जाओ। अज ना दिन जड़ा वे असा ने सतगुरु देव भगवान जी ने अपार कृपा नाल बड़ा शुभ दिन है असा गुरु भक्तों वास्ते, ते गुरु महाराज जी ने अपार कृपा नाल अज ये दिन असा ने जीवन च आया। बड़ा शुभ दिन है कि अज गुरुदेव जी महाराज की जय। अज ने दिन गुरु महाराज ने सब पर कृपा की, इतना बड़ा कार्यक्रम जड़ा वे अस शुरू करने जा रहे हैं। कलशी यात्रा जड़ी है थोड़ी देर भी असाने विद्वान लोग आए ना, पूजा कर सो नहीं पानी जल देवता नहीं, उस तो बाद जल असा लेके तो सारे जड़े असाने कलश वाले जितने भी असन भैन न माता न वो सब तो अगे लाइन ही चल सकेंगे। सब तो अगे असाने ध्वज रहा का, उस तो बाद दो लाइना असा बनानिया न कलश वाले जितने भी असने आए सारे अगे अगे चल सन, बाकी संगत जड़ी है उन्होंने पिछे पिछे और प्रभु ने गुणगान करने चलना है। अस इसलिए भी बार बार आखाने लेकिन पिछे सारिया गप्पा चलनिया भी हैं, बड़े दुख की गल होनी है कि अगर कोई गल आखी जाए तो अस लोग उसने पर कोई भी विचार नहीं करने कि कोई कह आखाना कह नहीं, अस अपनी मस्ती च रहने। हाथ जोड़ी के सारी बिनती है कि अस पूरे डिसिपलिन चलीए ता कि इतने जो दुए समाज ने लोग रस्ते काफी ज्यादा तादाद से न उन्हें ही पता चला है कि असाने गुरु महाराज ने शीशा में भी बराबर एक डिसिप्लिन है। इस वजह कुछ लाइन नहीं तोड़नी, लाइन ही चलना दवाई साहब तो अगे उस तो पिछे कलश वाले सारे उस तो पिछे बाकी संगत चल सी। उस तो बाद जरा आश्रम पुजी के कलश अपनी जगह विराजमान करी के तो नाश्ते ना उतना कार्यक्रम है, सारे नाश्ता करी के प्रसाद लेके ही तो जाना। जितने यजमान लोग न कल सवेरे 7 बजे तो पहले पहले उन्हें आश्रम पुजना वे, कल जड़ी पूजा वे 7 बजे तो पहले पहले शुरू हो जैसी की, और उस तो बाद कल असाने सतगुरु देव भगवान जी की प्रतिमा जड़ी है वह जड़ी है सुचारू रूप च पूरे विधि विधान नाल स्थापित हो जैसी की। गुरु महाराज अज अपनी जगह कला ने बैठी गए न लेकिन उन्होंने अजे तक पूजा नहीं हुई, और जिसकी अस देसी भाषा आखिया अनऑफिशियल बैठे न ऑफिशियली कल सवेरे उन्होंने पूरी विधि विधान नाल शास्त्र अनुसार पूजा हो सकी, उस तो बाद गुरु महाराज की मूर्ति जी है बाकी जड़िया सारिया मूर्तियां न विद्वान लोग उसने बारे तुम आपे जानकारी दे सकेंगे। और जड़ा वै बाकी मैं मीडिया ने माध्यम नाल पूरे रजौरी शहर की पूरे हिंदू समाज की हाथ जोड़ी के बिनती है, और जितने इतने गुरु भगत खलोते नहीं ना कि भी हाथ जोड़ी बिनती है कि जिथे जिथे असने संपर्क करना सर दो यार रिश्तेदार सारिया की खुला निवेता दियो कि इस पूरे कार्यक्रम में आवन। 4 तरीक भी इतना भंडारा हो सी, 12 तरीक विशाल भंडारा हो सी, 12 तरीक तो अस ये गल चाहते हैं कि कुसा ने घर में रोटी ना पके सारे भगवान ना प्रसाद इतना आने के ग्रहण कर। बाकी आश्रम समिति जड़ी है वह तुसाने सेवक न सारे, कोई इतना प्रधान नहीं कोई इतना लीडर नहीं, सारे गुरु भगतों ने अस सेवक हाँ, तुसा गुरु भगतों ने चरणा ने दास हाँ, अस तुसा की कुछ भी चीज़ नहीं प्रॉब्लम आवे तुस समिति नाल संपर्क करी सकने हो। और कोई भी जड़ा वे सारे की मैं रिक्वेस्ट कर सके तन मन धन नाल जड़ा वै आश्रम समिति ने सहयोग करो ताकि अच्छे तो अच्छा सारा कार्यक्रम होवे और एक मिसाल बने शहर के भाई उतना ये कार्यक्रम कितना अच्छा होया। का मेरे साथ स्मरण करेंगे सर्व शक्ति माते परमात्मा ने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति माते परमात्मा ने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति माते परमात्मा ने श्री रामाय नमः। सर्वदेव भगवान की जय। परम श्री 1008 स्वामी सेवानंद गिरी आश्रम श्री स्वामी सेवानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में आप सभी लोग जो तमाम आज इस पावन कार्यक्रम में मैं ये कहूँगा सम्मिलित हुए हैं इस प्रोग्राम का, ये अच्छे देव की कृपा है, आनंद के ऊपर महान कृपा है। 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जो प्रोग्राम है
एक तरीक से लेकर चार तरीक तक मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम और छह तरीक से लेकर बारह तरीक तक भगवत का जो प्रवचन दिए जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद 12 तारीख को विशाल भंडारा जो है वो किया जाएगा। मैं तमाम रजौरी वासियों से ये निवेदन करूंगा कि 12 तारीख को अपने घरों में बिल्कुल कोई भी आदमी जो है वो खाना ना बनाए। सारे हिंदू समाज को चाहिए कि वो वहाँ पे आश्रम में आके वहाँ पे प्रवचन सुने और इस प्रवचन का आनंद लें, ताकि वो जो 4 तारीख को यहाँ पे 32 के करीब जो है वो मूर्तियाँ स्थापना होने जा रही है, उनको देखने के लिए एक विशाल मंदिर जो है वो बन रहा है, और आश्रम में आकर इस विशाल मंदिर को देखें। और फिर लोगों को चाहिए कि जितना भी हिंदू धर्म का प्रचार जो है हमारी संस्कृति के अंदर किया जाता जाना चाहिए, और डट के हर जगह पे हिंदू धर्म का प्रचार करें और आश्रम में आने की कृपा करें। शुक्रिया जी। बताइए जिस तरह से ये कार्यक्रम। जय गुरुदेव। आज बहुत ही शुभ अवसर है जिस पर हमारे गुरुजी के आश्रम की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आरंभ हुआ है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर हम कलश यात्रा का एक कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। ये कलश यात्रा यहाँ स्वामी जी के आश्रम से होकर टीकांजू जो हमारे गुरुजी का आश्रम है वहाँ तक जाएगी। फिर उसके बाद कल से वहाँ मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 2 से 2, 3, 4 दिन मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है। उसके बाद 6 तारीख से वहाँ पर भागवत कथा जो कि 12 तारीख धर्मा, ऐसे धर्म की आपको प्राप्ति हुई है। आप अपने आप को
पुण्यशाली समझते हुए, पुण्य के भागी समझते हुए, देवताओं की कृपा से आपको यह उत्सव का, उत्सव में शामिल होने का, प्रतिष्ठा करने का, करवाने का जो है उत्सव प्राप्त हुआ। तो पानी भर करके पांच कलश इधर दे दीजिए, बाकी सभी को भर दीजिए, फिर आप पांच मिनट में आपका निकलेंगे। समय के बाद में डालेंगे, मतलब बाबगट अगर ये चाहेंगे तो ऐसा समय के इनको बात अभाव है ना ऋषि के, ये चाहेंगे तो भी वो सारे के आगे निर्देश पूछिए जाएगा इनसे तथा। हाँ फिर दिग्बंधन ब्राह्मण कर लें, ब्राह्मण एक हाथ में दिग्बंधन कर लीजिए और सभी का राष्ट्र भगवान शंकर यहाँ भूतपति है। कहेंगे कि आप उपदेश ज्यादा देंगे, आशीर्वादा उपदेश, आप लोग सब लोग समय समय जा रहे हैं, आपके पास समय कम है, हमारे पास समय है, हम जरूर से आगे हैं, अगर समय कम है और आपका समय की न्यूनता है तो परंतु हम जल्दी करेंगे, बड़ों के सामने कोई छोटा गलती करे ना तो देख नहीं पाता। तो हम धर्म संप्रेषक हैं, आपको धर्म को जोड़ने वाला हमारा कर्म है। आप की आयु 20-40-50 वर्ष है, परंतु जल पीने के बाद में आप सिर्फ करा रहे, यानी आपको कर्म का कुछ नहीं पता, मेरे लिए आप सुनिए, क्योंकि जिसके जल पीने के झूठा जल सिर पे करा गया वो करे। ओम प्राच्यै नमः, ओम अवाच्यै नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम उदीच्यै नमः। आप नमस्कार करो,
Yeah!
मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते Thank you.